प्यारे बच्चों, ये महा संचारी रोग की रोकथाम के लिए, जन जागरूक करने के लिए सुनिश्चित हुआ। उसी क्रम में एक प्यारा सा निबंध, आप इसको अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। संचारी रोग एवं रोकथाम के उपाय। रोग व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती। गंभीर रोगों की स्थिति में समय से समुचित उपचार ना होने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती। संचारी रोग कहते किसे? हमारे आसपास दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और कई भयंकर बीमारियों एवं रोगों को जन्म देते हैं और ये मनुष्यों में छुआछूत के कारण फैलता है। संचारी रोग कहलाते हैं। संचारी रोग फैलाने वाले कारक। संचारी रोग, जिन्हें संक्रामक रोग भी कहते हैं, ये रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु के कारण एक विशेष मौसम में फैलते हैं। बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है या फिर मौसम बदलने पर हमारे आसपास ये रोगाणु तेजी से फैलते हैं और इनमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संपर्क आने पर फैलते हैं। इसके लक्षण की बात करें, संचारी रोग तेजी से फैलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। दस्त, बुखार, दिमागी बुखार, ज्वर, चढ़ उतर कर बुखार आना, जुखाम, अनियमित खांसी, उल्टी, इसके लक्षण। इसी तरह कोरोना भी एक प्रकार की बीमारी है जो अब महामारी का रूप ले चुकी है। प्रमुख संचारी रोगों की बात करें तो प्रमुख संक्रामक या संचारी रोगों में जुखाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, चिकनगुनिया, पेचिस, प्लेग, अतिसार यानी कि डायरिया, हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर, कोरोना जिसे COVID-19 आदि। संचारी रोगों के रोकथाम के उपाय। संक्रामक रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करना और इसे निसंक्रमण कहते हैं, यानी उनकी चेन को उसको तोड़ देना। प्रमुख उपायों में बात करें तो अपने आसपास एवं छत पर टूटे फूटे सामान में पानी इकट्ठा ना होने दें, आसपास नाली को खुला ना छोड़ें एवं समय समय पर उन्हें साफ करते रहें। अपने आसपास साफ सफाई रखें जिससे कि कूड़े के ढेर में मच्छर ना पनप सके। खुले में शौच करने से बचें क्योंकि मानव मल बरसात के मौसम में पीने योग्य पानी को प्रदूषित करता है। संचारी रोग से बचने के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। भोजन से पहले एवं शौच के बाद साबुन से रगड़ कर हाथ धोएं। घर पर एवं बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। खांसते छींकते समय मुंह को ढकें। पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें क्योंकि दूषित जल पीने से दस्त, उल्टी, अतिसार हो जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या या लक्षण देखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हो डॉक्टर से परामर्श लें। उपसंहार की बात करें तो संक्रामक रोग जो एक विशेष मौसम में फैलते हैं उसकी रोकथाम के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष समय समय पर विभिन्न जन जागरूक कार्यक्रम चलाती है जिससे संक्रामक रोग की भयावहता रोकी जा सके। लेकिन साथ हम सब ऊपर बताए गए उपायों पर चलें और अपना स्वास्थ्य, धन बचाएं और स्वस्थ रहकर अपने राष्ट्र देश को मजबूत बनाएं। हम मिलकर ये अभियान सफल बनाएंगे, अपने आसपास एक नई खुशहाली लाएंगे।